हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें दिला। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आध्यात्म भारत भूमि की आत्मा है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था क्रमशः भारत की मन, प्राण और जीवन शैली है। यहाँ एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थान है, पावन धाम है, आश्रम और मंदिर है, जिनका अपना अपना महत्व है और कहानियां भी, इतिहास हैं और मान्यताएं भी, जहां प्राचीन काल से अब तक न केवल चमत्कार होते रहते हैं बल्कि भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती रहती हैं। संभवतः इसीलिए सभी धामों के कुछ न कुछ रहस्य हैं, कुछ न कुछ जनश्रुतियां हैं, किंवदंतियां और लोक कथाएं हैं। ऐसा ही एक मंदिर है, नर्वदेश्वर मंदिर। भक्तों, नर्वदेश्वर मंदिर कांगड़ा के महाराजा संसार चंद की महारानी प्रसन्ना देवी द्वारा बनाया गया एक सुप्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो अपनी अद्वितीय निर्माण शैली के लिए समूचे विश्व में विख्यात है। भक्तों, नर्वदेश्वर मंदिर शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर कटोच वंशीय राजाओं का विशाल किला है, जिसकी भव्यता, दिव्यता, वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला तो देखते ही बनती है। इस किले का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। भक्तों, सुजानपुर टिहरा शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक चौगान, जो संभवतः पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़े आकार का मैदान है। भक्तों, सुजानपुर किले में स्थित सन 1793 में बना गौरी शंकर मंदिर और शहर के अंदर सन 1790 में बना मुरली मनोहर मंदिर भी बड़े दर्शनीय स्थल है। सुप्रसिद्ध सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा भी शहर के बीचों बीच स्थित है। भक्तों, कहा जाता है महाराजा संसार चंद्र के टिहरा में बने महल हैं, जिसमें 22 राजाओं के बैठने की व्यवस्था थी। लोग इसे बारादरी कहते थे। बारादरी की रामायण और महाभारत कालीन वास्तुकलाएं और चित्रकलाएं बड़ी सुखद और मनभावन लगती है। मेरा नाम सोनी प्रसाद है। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में 25 सालों से कार्यरत हूँ। यह मंदिर महाराजा संसार चंद की पत्नी प्रसन्नी देवी ने बनवाया था। हर जगह, हर चारों कोनों पे इनके चार मंदिर हैं। इसे बनाने में 50 वर्ष का कार्य लगा था। मेरे जो बुजुर्ग थे, फोर फादर, वो इस मंदिर के सर्विटर थे। यहाँ की पिंडी है शिव जी की, वो नर्मदा से लाई गई थी, इसलिए इस मंदिर का नाम नर्मदेश रखा गया है। विश्वास बहुत है, जो भी आगे मत्था टेकते हैं उनको विश्वास है कि हमारी इच्छा पूर्ण होगी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।